हेलो गाइस, तो आज मैं जा रहा हूँ शेर बिहार, जो कि बिहार में ये रेस्टोरेंट खुला है, अकौना में। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको दिखा पाऊंगा, आज शेर बिहार के अंदर मैं जाने वाला हूँ, वहाँ का आपको रेसिपी शेयर करूंगा वहाँ का। सो गाइस, जैसा कि मैं शेर बिहार आ चुका हूँ, मैं आपको शेर बिहार का अंदर का व्यू दिखाऊंगा। जो मैं खाऊंगा वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जैसा कि सामने शेर बिहार आप देख पा रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे, इस वक्त मैं शेर बिहार होटल के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। जैसा कि आपको मैं पूरा व्यू दिखा पा रहा हूँ, ये है शेर बिहार। आप यहाँ पे शादी के लिए बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ पे शादी के लिए आपको हॉल वगैरह मिल सकता है। हॉल है, रूम है यहाँ पे, और इसके नीचे में रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। यहाँ पे आप खाने पीने के लिए भी आ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरे तरीके से मैं दिखा पा रहा हूँ, ये आपका शेर बिहार का किचन एरिया है, जहाँ पे आपके हर तरह के डिश बनते हैं। एक बार आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा सा ये खुला हुआ है आपके लिए। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त शेर बिहार के अंदर जा रहा हूं। मैं अंदर का आपको पूरा व्यू दिखाता हूं, मैं इनसे बात करता हूं यहां पे क्या क्या आइटम मिलता है। ये आपका देख रहे हैं अंदर का पूरा ये व्यू है, ये आपका रिसेप्शन एरिया है। यहां पे आके आप बात कर सकते हैं, जो भी आपको बात करना हो, यहां के होटल का डिटेल लेना हो। जैसा कि मैं अंदर का पूरा व्यू आपको दिखा पा रहा हूं, ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे फैमिली वगैरह को ला सकते हैं, बैठने का फुल इंतज़ाम है। और यहाँ पे सबसे अच्छी खास बात है, शादी पार्टी बर्थडे वगैरह मनाना हो तो यहाँ पे ऊपर में आपको हॉल वगैरह मिल जाएगा, जहाँ पे आप बर्थडे पार्टी वगैरह मना सकते हैं। ये पूरा मैं नीचे का हॉल दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। सो और आगे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये पूरा व्यू है अंदर का। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा सा है। फैमिली के साथ एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ पे फैमिली के लिए बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ पे खाने वाने का बहुत सारे ऐसे चीज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको मेनू भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये होटल शेर बिहार, जिसका ये आपका मेनू कार्ड है, जिसमें आपको बहुत सारे चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड वगैरह मिल जाएंगे। नॉन वेज भी मिल जाएगा आपको, आपको वेज आइटम भी मिल जाएगा, और आपको जूस वगैरह ही मिल जाएगा यहाँ पे। और आगे आपको मैं दिखाता हूँ, जो चीज़ मैं खाता हूँ वो आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा, आप जब तक के लिए बने रहिए। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये ऊपर का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपका यहाँ से स्टेयर जा रहा है, ये आपका बैक साइड का पूरा व्यू देख रहे हैं, बहुत प्यारा सा। ये पूरा पार्किंग एरिया है, अभी ये थोड़ा बहुत इसमें काम लगा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने बिल्कुल गार्डन बनने वाला है, बहुत प्यारा सा व्यू। आप बच्चे को लेके आ सकते हैं यहाँ पे, अभी झूले वगैरह भी लगाए जाएंगे, यहाँ पे बच्चे लोग को ला सकते हैं, बच्चे लोग का एंजॉय हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका यहाँ से स्टेयर से उतर के ये पार्किंग एरिया, आप यहाँ पे गाड़ी वगैरह अपनी लाए खड़ा कर सकते हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ ऊपर का व्यू। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर का व्यू, जैसा कि मैं अभी जा रहा हूँ भाई साहब के साथ, ये यहाँ के ऑनर हुए, मैं इनसे मिलाता हूँ और मैं आपको ऊपर का पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये ऊपर के एरिया में आ गया हूँ। जैसा कि ये फर्स्ट फ्लोर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा हॉल है, जो कि बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। यहाँ पे आप शादी के लिए बुक करा सकते हैं, बिल्कुल NH2 के जस्ट बराबर में है। सिरघाटी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे ये बना हुआ है, कोना जो एक जगह है, जहाँ पे ये पूरा आप शेर बिहार का हॉल देख पा रहे हैं। मैं बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ, ये पूरा हॉल है। तो ये आप ऊपर का पूरा व्यू देख रहे हैं। मैं ऊपर आया हूँ, मैं ऑनर साहब से बात किया हूँ, उन्होंने कहा आप पूरा ऊपर का व्यू दिखा दिए। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत प्यारा सा नज़ारा है, ये आप देख रहे हैं ऊपर का ये पूरा व्यू है। बहुत बड़ा सा हॉल है, लगभग इसमें आपके 5000 लोग आराम से इसमें आ सकते हैं, इतना स्पेस बना हुआ है। एक बार आप ज़रूर इसको पार्टी शादी के लिए बुक कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा व्यू देख रहे हैं आप, ऊपर का पूरा लोकेशन, पूरा फुल्ली AC एरिया है ये। आप यहाँ पर आराम से गर्मी हो ठंडा हो किसी भी वक्त बुक करा सकते हैं। ये हॉल के जस्ट ऊपर मैं जा रहा हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे यहाँ पे रूम वगैरह बना हुआ है, आप यहाँ पे रूम वगैरह भी बुक करा सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंगल रूम भी मिल जाएगा, अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते तो फैमिली के साथ जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर में भी रिसेप्शन एरिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे तरीके से ये रूम ही रूम है ऊपर में। यहाँ पे भी आप ठहर सकते हैं, यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं फैमिली के साथ। रूम वगैरह भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे कंडीशन है रूम का, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं ऊपर रूम में भी एंट्री कर चुका हूं। मैं आप लोगों को चाहता हूं कि हर एक चीज़ यहां की शेयर करूं। गाइस, तो हमारे वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए इतना कुछ कर रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये शेर बिहार का रूम है। ये हर रूम के साथ आपको बाथरूम अटैच आएगा, फैमिली के साथ आप यहाँ पर आके रुक सकते हैं। बहुत प्यारा सा रूम बना हुआ, हर रूम में आपको AC वगैरह आएगा, और
हर रूम से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं जिस तरीके से ये बाहर का व्यू आपको मैं दिखा पा रहा हूं, NH2 बिल्कुल, जो कि एक तरफ दिल्ली जा रहा है, एक तरफ कोलकाता की साइड जा रहा है। ये आपको ऊपर का मैं व्यू दिखा रहा हूं, बहुत प्यारा सा लोकेशन है। आप एक बार यहाँ पे जरूर आए, यहाँ पे आके आप रुकें और देखें यहाँ का क्या फैसिलिटी है। जैसा कि मैं आपको पूरा रूम दिखा रहा हूँ, ये आपका बेड है, डबल बेड भी लगा हुआ है, सिंगल बेड भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आपको अगर सिंगल रूम का बुकिंग कराना है तो आप यहाँ पे रूम वगैरह बुकिंग करा सकते हैं। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, मैं आपको फिर मिलता हूँ, नीचे मैं जाता हूँ, कुछ मैं भी खाने का ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत देर से यहाँ पे हूँ तो मैं थक गया हूँ। मैं आपको फिर नीचे का चीज़ आपको शेयर करता हूँ। सो गाइज, ये यहाँ का मेन्यू है होटल शेर बिहार का। जैसा कि मैं अभी भैया आ गए, हमारे ये भाई साहब हैं, आपका नाम क्या है? राम भाई हैं, राम कुमार इनका नाम हुआ है। ये हमारा ऑर्डर लेने के लिए आए हैं। मैं भैया से बात करता हूँ कि इनके पास क्या क्या आइटम है। मैं मेन्यू में जैसा कि देख पा रहा हूँ, आप मेरे लिए चिकन 65 कर दीजिए, ठीक है, और आप मेरे लिए चिकन पकौड़ा कर दीजिए, ठीक है, और आप मेरा क्या बोलते हैं, आपका जाके पनीर पकौड़ा कर दीजिएगा सर, और हमारे लिए आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आइएगा, ठीक है, और उसके बाद आप एक पानी का बोतल दे दीजिए, बस सर आप इतना कर दिए सर। ओके सर, थैंक यू। सो गाइस, जैसा कि मैं होटल शेर बिहार आया हुआ था, ये मेरे दोस्त हैं, इमरोज नाम है इनका, बर्थडे था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनका बर्थडे शेर बिहार में मैं विश कर दूँ, ताकि इनको भी अच्छा लगे। ये मेरे भाई भी हुए हैं, दोस्त हुए, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो गाइज, हम लोग मिलते हैं अब आगे। सो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे, ये हमारा मेनू आ चुका है। जैसा कि मैंने ऑर्डर किया था एग रोल, अभी एग रोल आया हमारे लिए, और बगैर चिकन का बहुत सारा भी आइटम मेरा नहीं आया। मैंने भैया से कहा, भैया ये बनवा रहे हैं, तब तक ये आप देखिए, मैं एग रोल का आपको टेस्ट करके बताता हूँ। एक बार आप यहाँ पे ज़रूर आए, इनका जायका, इनका फ्लेवर बहुत ही अलग है। सो गाइज, हमारा जैसा कि रोल आ चुका है, अब हम इसको खाते हैं, बहुत टेस्टी है, एक बार आप यहाँ पे ज़रूर आए, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो गाइज, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।